स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन टू टिश्यूज की हेल्प से होता है, और वो टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जाइलम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर के बनता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ऐसे ही फ्लोएम जो है वो भी फोर डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर के बनता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? लीव्स में होती है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आपको मालूम है कि वाटर की ज़रूरत रहती है, और ये वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचता है? ये वाटर लीव्स तक पहुंचता है जाइलम टिश्यू की हेल्प से। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक, और ये किस टिश्यू की हेल्प से होता है? जाइलम टिश्यू की हेल्प से होता है। लीफ में बनने वाला जो फूड होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचता है फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, इन ट्रांसपोर्टेशन में कौन से टिश्यूज हेल्प करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिनकी बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, थैलस लाइक बॉडी होती है। तब ऐसे में वो प्लांट जो है वो डायरेक्ट ही सॉइल से वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, डिफ्यूज़न होता है उनमें वाटर का सॉइल से डायरेक्टली, वहाँ पर ये सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो प्लांट्स बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, जिनमें लीव्स जो हैं वो बहुत हाइट पर लगी होती हैं, ऊपर होती हैं, तो वहाँ तक वाटर को कंडक्ट करने का काम कौन सा टिश्यू कर रहा है? जाइलम टिश्यू करता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस टिश्यू की हेल्प से होता है? टू टिश्यूज की हेल्प से होता है, जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से होता है। ये प्लांट्स हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यूज। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पर अभी हमने बात की कि टू टाइप का टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप होते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर के बनता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। जाइलम फोर टाइप की सेल्स से मिलकर के बनता है। एक होती है वेसल्स, एक होती है ट्रैकीज, एक होती है जाइलम पैरेन्काइमा, और एक है जाइलम फाइबर। यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वेसल्स और ट्रैकीज की हेल्प से होता है। सेम फ्लोएम जो है वो भी फोर टाइप की सेल से मिलकर के बनता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। यहाँ पर भी फोर टाइप की सेल्स होती हैं, पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी सेल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स की हेल्प से होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों टिश्यू, जैसे कि यहाँ पर ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और फ्लोएम जो रहता है वो लीव्स में बनने वाला जो फूड होता है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। प्लांट्स यूज टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्रांसपिरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। प्लांट्स में टू स्ट्रेटजीज होती हैं, एक है ट्रांसपिरेशनल पुल और एक है रूट प्रेशर। इन टू वेज से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, और आपको मालूम है कि ये प्रोसेस जो है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलती रहे, दिन में भी प्रोसेस हो, रात में भी प्रोसेस हो, इसलिए प्लांट्स में ये टू वेज होते हैं वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के। तो सबसे पहले हम समझते हैं रूट प्रेशर को। सबसे पहले अब हम देखते हैं रूट प्रेशर को। रूट प्रेशर में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये रूट्स दिख रही हैं,
रूट सेल जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में रहती हैं और ये सॉइल से आयंस को इनटेक करती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि रूट के अंदर आयंस का नंबर तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन वाटर जो होता है वो कम हो जाता है, जबकि बाहर जो सॉइल रहती है सॉइल के पार्टिकल्स में वाटर ज़्यादा होता है और लेस आयंस होते हैं, आयंस का नंबर जो है वो कम होता है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, मीन्स यहाँ पर जो रूट है रूट के अंदर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और वाटर कम होता है, जबकि जो बाहर है सॉइल के अंदर आयंस जो होते हैं वो कम होते हैं और वाटर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन में डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट हो जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि वाटर जो रहता है बाहर से, यानी कि वाटर जो है जिसका हाई वाटर कंसंट्रेशन है वो वाटर मूव करता है कहाँ पर, लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, मीन्स वाटर जो है वो रूट की तरफ मूव करेगा, रूट की सेल्स की तरफ मूव करता है और इस तरह से ये वाटर जो होता है वो रूट की सेल में एंटर करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये वाटर और आयन का जो डिफरेंस है ये पूरी बॉडी में पूरे प्लांट में ऐसे ही चलता रहता है और इसी वजह से यहाँ पर एक वाटर का कॉलम बन जाता है और वाटर जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये प्रेशर जो होता है, ये जो प्रेशर अभी हमने बात की, ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत बड़े ट्रीज में वाटर और मिनरल्स जो है वो ऊपर मूव कर सकें। तो ऐसे में प्लांट्स में दूसरा मैकेनिज्म होता है जिसको अभी अपन ने ट्रांसपिरेशनल पुल का नाम दिया है। तो रूट प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द सॉइल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। रूट प्रेशर वो पॉजिटिव प्रेशर होता है जो कौन क्रिएट कर रहा है, रूट्स में क्रिएट होता है और कैसे क्रिएट हो रहा है कि बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द सॉइल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ताकि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो सके सॉइल से। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। रात के टाइम प्लांट्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हेल्प करता है रूट प्रेशर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का प्लांट्स के एरियल पार्ट से इवोपरेट होना। जैसे यहाँ पर लीफ है, लीफ से वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाएगा। आपको मालूम है कि वाटर जो है वो रूट से वाटर स्टेम तक पहुँच रहा है, जाइलम के थ्रू ये लीव्स में आ रहा है और आपको मालूम है कि लीव्स में टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि वाटर जब लीव्स के अंदर आए, ये लीफ का टिश्यू है, यहाँ पर वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, बाहर एटमोसफियर में आ जाएगा। तो प्लांट्स की एरियल पार्ट से जो वाटर का लॉस होता है, वाटर इवोपरेट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पर जब ट्रांसपिरेशन होगा तो इन सेल्स में, यहाँ पर जो सेल्स होंगी उन सेल्स में क्या होगा, वाटर कम हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये अपने से पहले वाली सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक तरह से खिंचाव पैदा होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो प्लांट की पूरी बॉडी में क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा, एक तरह का सक्शन क्रिएट हो जाता है। जब लीफ की सेल से वाटर इवोपरेट होगा, यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये जो सेल्स होंगी वो अपने से पहले वाली सेल से वाटर को खींचने की कोशिश करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो इस तरह से पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल इज अ पुल ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के एरियल पार्ट से जब वाटर इवोपरेट हुआ, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई, जिससे यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हुआ या जिसको हम टेंशन बोल रहे हैं क्रिएट हुआ। किसकी वजह से ये टेंशन क्रिएट हुआ, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट हुआ। इट इज़ अ मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ वाटर मूवमेंट अपवर्ड इन अ प्लांट ड्यूरिंग द डे। और दिन के टाइम ये प्रोसेस जो होगी, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कब होगी, दिन के टाइम होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि सनलाइट जो है वो दिन में रहेगी, हीट ज़्यादा होगी, वाटर जो होगा वो इवोपरेट होगा।
तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है यानी कि वाटर जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है दिन के टाइम, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, सक्शन क्रिएट हो रहा है। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द लीव्स विच रिजल्ट्स इन मोर वाटर बीइंग ड्रॉन अप फ्रॉम द रूट्स। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, वाटर जो है वो इवोपरेट हो रहा है लीव्स के स्टोमेटा से, और इसका क्या रिजल्ट हो रहा है कि ये ज़्यादा वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक खिंचाव पैदा हो गया है। और वो खिंचाव क्यों हुआ है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। इस डायग्राम में भी आप देखेंगे कि वाटर जो है वो रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, ये स्टेम की हेल्प से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जा रहा है, लीव्स की हेल्प से वाटर जो है वो इवेपरेट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू इवेपरेट हो रहा है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस इसे हम बोलते हैं, यानी कि प्लांट्स के जो एरियल पार्ट है वहाँ से वाटर जो है वो इवेपरेट हो रहा है। ये टाइनी ओपनिंग्स जो हैं जिसके थ्रू वाटर इवेपरेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इसके अलावा स्टेम पर भी कुछ लेंटी सेल्स होती हैं जिनकी हेल्प से वाटर जो है वो इवेपरेट होता है। तो इस तरह से जब वाटर यहाँ की सेल्स से वाटर इवेपरेट हो जाता है तो यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की सेल्स जो है वो अपने से पहले वाली सेल्स जो रहती हैं उनसे वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो एक तरह का सक्शन क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। टेंशन जो है वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में क्रिएट होता है जिसकी वजह से रूट जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से या रूट प्रेशर की वजह से जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। आज हमें पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।